अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा कलंक जो कि सारा देख रही है अपने माँ बाप को। उसका बाप कह रहा है कि अपनी बीवी से कि उसे कहो कि उस लड़की को बुलाए और निकाह करके इसको लेकर जाए, और जब मैं इसे देखता हूँ तो मेरा खून खोलता है बस, और नहीं बर्दाश्त कर सकता इस घर में इसको, मुझे नहीं चाहिए ये लड़की। तो उसकी माँ कहती है आप खुद क्यों नहीं कहते अपनी बेटी से। तो उसकी माँ बहुत परेशान है इसकी वजह से, इसकी बाप की वजह से, क्योंकि वो बहुत तंग कर रहा है अपनी बेटी की वजह से। तो सार बेचारी देख रही थी कि मैंने कुछ किया ही नहीं है और मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग चुका है। तो दूसरी तरफ ये लड़की सुरैया जो कि घर से भाग चुकी थी और सुबह ही वापस आ गई है, तो उसकी माँ ने बात उलट दी, सारा पर ला कर दी कि ये सारा का काम है, ये सारा सब कुछ किया है, सारा की वजह से हो रहा है। सुरैया जा गई थी अपनी सहेली के घर, रात गुजार कर आ गई है क्योंकि उसने वहाँ शादी नहीं करनी है। दूसरी तरफ सरफराज जो कि शादीशुदा है, तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं उसके सामने जाऊंगी, आपकी बीवी के सामने, वो खुद समझ जाएगी। तो सरफराज कहता है आप कैसी बातें कर रही हैं, ये कैसे हो सकता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो सुरैया जबकि गई थी भाग कर उस लड़की से कहती है कि हम निकाह कर लेते हैं, तो वो लड़का कहता है क्या निकाह कर लेते हैं, तो हंसने लगता है क्योंकि उसने तो अपना काम कर लिया है और अब इसको भगा दिया है, चाहे दफ़ा हो यहाँ से। तो ऐसे लड़के होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए लड़कियों को। तो अपनी इज्जत गवा कर आ गई है वापस अपने घर।